पिछले 5 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद शासन प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने शासन व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन द्वारा सिविल लाइन स्थित मैरिज हॉल में प्रेस वार्ता कर सरकार से कहा कि हमारी भी सुने सरकार, हम हो गए हैं बेरोजगार। इस दौरान संरक्षक दीपक प्रकाश श्रीवास्तव, सुनील त्रिपाठी, विनय पांडे, राहुल मोदनवाल, नवीन श्रीवास्तव, राजेश छापड़िया, अजीत श्रीवास्तव, अमरीश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका ने बताया, हम लोग के व्यवसाय में जो देश में कोरोना से संक्रमण हुआ है, उसके लॉकडाउन से जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसके लिए सरकार का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। क्या बात है? हम लोग की मांग है कि 22 जून से हम लोग के लिए कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई। अब 22 मार्च से लगभग 5 महीना बीत जाने के बाद कोई गाइडलाइन नहीं आई। अभी सरकार एक गाइडलाइन लाने वाली है 21 सितंबर से, उसमें 100 लोगों की अनुमति दे रही है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग को 400 से 500 लोगों की अनुमति मिले, उसके नीचे हम लोग का व्यवसाय नहीं चल सकता है। बीते 22 मार्च